कल जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र, पीएम मोदी जारी कर सकते हैं मैनिफेस्टो। बीजेपी के मैनिफेस्टो में जन कल्याण पर होगा फोकस, बढ़ सकता है आयुष्मान भारत योजना का दायरा। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किया घोषणा पत्र, घोषणा पत्र को परिवर्तन नाम दिया गया। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए बोले तेजस्वी, हम 2024 में 24 वादे ला रहे हैं, बिहार के विकास से जुड़े हर प्रतिबद्धता को हम पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, देश में हमारी सरकार बनती है तो हम रक्षाबंधन से गरीब बहनों को 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष देंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का अटैक, कहा राजनीति में आरजेडी की औकात क्या है, बिहार में जीरो पर आउट होगी आरजेडी। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर बोले रविशंकर प्रसाद, 100 करोड़ बोल देते, बोलने में क्या परेशानी है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने कसा तंज, कहा इनके परिवार के लोग जब सत्ता में रहे तब कैसे नौकरियां बांटी गई ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह ने बिहार में सभी सीट जीतने का दावा किया, बोले 200% हम सभी सीटें जीतेंगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बिहार का कभी भला नहीं कर सकते। बिहार के अररिया में एक सभा में रो पड़े पूर्व आरजेडी सांसद सरफराज आलम, आरजेडी ने इस बार सरफराज आलम का टिकट काट दिया है। गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो जारी, 11 अप्रैल को पीएम ने गेमर्स के साथ की थी बातचीत, ऑनलाइन गेमिंग की ग्रोथ और चुनौतियों पर चर्चा। पीएम मोदी के साथ साथ गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर थे शामिल, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर भी पीएम के साथ वीडियो में। पीएम मोदी ने गेमर्स से हर पहलुओं पर खुलकर की बात, स्किल बेस्ड गेम्स और तेजी से इनकम कराने वाले गेम्स को चुनने के बीच की परेशानी के बारे में भी पूछा। पीएम मोदी ने गेमर्स से भारत में होने वाली कठिनाइयों के बारे में भी पूछा, गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े गलतफहमियों पर भी की बात। पीएम से मुलाकात के दौरान गेमर्स बोले, आपको देखकर दिल धक-धक हो रहा, पीएम ने मजाकिया में कहा, होने दीजिए। गेमर्स से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मोबाइल और वीआर बेस्ड गेम्स खेले, पीएम ने कहा गेमिंग का क्रिएटिव उपयोग जरूरी। पीएम से मुलाकात पर गेमर नमन माथुर ने कहा, पीएम ने भारत में गेमिंग और स्पोर्ट्स के बारे में जाना, उन्होंने गेमिंग के बारे में कई जानकारियां ली। गेमर पायल धारे ने कहा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि पीएम के साथ गेमिंग खेलने का मौका मिलेगा, पीएम हर उम्र में लोगों के साथ तालमेल बिठाना जानते हैं। पीएम से मुलाकात पर गेमर अनिमेश अग्रवाल बोले, गेमिंग इंडस्ट्री के विकास को लेकर पीएम के विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है, पीएम गेमिंग को लेकर बहुत अपडेटेड दिखे, उनसे मिलना अकल्पनीय था। वहीं गेमर तीर्थ मेहता बोले, हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें पीएम से मिलने का मौका मिला, हम लोग पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ईडी की गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले में रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर होगी सुनवाई, 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा तिहाड़ के अधिकारी बीजेपी के मोहरे, केजरीवाल को लेकर परिवार चिंतित। संजय सिंह बोले, अमानवीय व्यवहार कर रहा है जेल प्रशासन, मुलाकात में बाधा डाली जा रही है, केजरीवाल की पत्नी को आमने सामने मुलाकात से मना किया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा हमारे सीएम जेल में हैं, हमें सरकार में रहने का नैतिक बल नहीं है। राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसने का आरोप, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी पार्टी के 2-2 मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में प्रियंका गांधी ने की रैली, बोली बीजेपी कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाती रहेगी, 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, बताए उन्होंने क्या किया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी कहती है कि 75 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर कुछ नहीं किया तो देश में IIT, IIM, एम्स कहां से आए। मुरादाबाद में सीएम योगी ने की रैली, कहा 4 करोड़ गरीबों के मकान नए बने, 2.5 करोड़ घरों में बिजली आ गई, ये काम पहले भी हो सकता था लेकिन कांग्रेस सपा बसपा के एजेंडे में विकास नहीं था। सीएम योगी बोले, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है, आज माफिया या अपराधी या जो जेल में है, जो जहन्नुम में है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला, कहा जिन्होंने राम के दर्शन ठुकरा दिया जनता उनको ठुकरा देगी। केशव मौर्य बोले, गुंडों और माफिया पैदा करने की फैक्ट्री है SP अखिलेश के 3 यार आजम, अतीक और मुख्तार, पल्लवी पटेल और ओवैसी के संयुक्त मोर्चा की पहली लिस्ट जारी, पहली लिस्ट में 8 प्रत्याशियों के नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में किया रोड शो, रोड शो में उमड़ी भीड़। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम धामी बोले, प्रदेश का माहौल मोदी में, सभी लोग इस बार भी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए देंगे वोट। सीएम धामी ने कांग्रेस पर अतिक्रमण के बहाने दुष्प्रचार करने का लगाया आरोप, कहा हमने गरीबों या 100 सालों में बसे लोगों और छोटे व्यापारियों को हटाने की बात कभी नहीं की।
मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने घर घर जाकर चलाया चुनाव अभियान, कहा बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार मिल रहा है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का चुनाव प्रचार बना आकर्षण का केंद्र, कंगना ने बजोरा में कुलवी गीत की धुन पर किया डांस। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किसानों से की मुलाकात, तेज धूप में किसानों के साथ काटी फसल। बस्तर में सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरा, बोले बीजेपी 10 साल में क्या किया उस पर चर्चा नहीं करती, उनका प्रचार मस्जिद मंदिर पर केंद्रित, छत्तीसगढ़ में सभी सीटें जीतेगी कांग्रेस। भोपाल की मस्जिद में गूंजा मोदी का नारा, मस्जिद में लगा हर हर मोदी घर घर मोदी और 400 पार का नारा, मोदी है तो मुमकिन है का नारा गूंजा। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले कल मध्य प्रदेश की धरती पर होगा पीएम मोदी का आगमन, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं। हिमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस की सहानुभूति सिर्फ एक धर्म के साथ, वे एक तरफ नमाज पढ़ते हैं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण पर लव जिहाद का आरोप लगाते हैं। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार, फलकनुमा इलाके में घर घर जाकर किया प्रचार। हैदराबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी, हम सीए के खिलाफ थे और रहेंगे, बीजेपी का संवैधानिक कानून है सीए। ओवैसी के बयान पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा ओवैसी ने हमारे भगवान राम पर बयान दिया था, क्या उन्हें वो याद नहीं है। माधवी लता बोली मैंने इस्लाम के बारे में बयान नहीं दिया था, मैंने ओवैसी के बारे में दिया था बयान। तमिलनाडु में सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी, दक्षिण चेन्नई से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार जे जयवर्धन ने घर घर जाकर किया प्रचार। तमिलनाडु के शिवगंगा में कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि ने किया प्रचार, मार्केट में जाकर लोगों से की बात, बच्चे भी बांटे। पुणे में एक कलाकार ने पीएम मोदी को संत तुकाराम के रूप में दिखाया, सिर पर भगवान रामलला की मूर्ति लिए दिखाया। अलीगढ़ में निर्दलीय उम्मीदवार पंडित केशव देव बने आकर्षण का केंद्र, गले में 7 चप्पलों की माला पहनकर वोट मांगते दिखे। जालौर में हिमांशी गहलोत ने सब्जी बेचकर पति वैभव गहलोत के लिए मांगा वोट, बेटी ने भी घर घर जाकर पिता को वोट देने की अपील की। बुलंदशहर में मतदान के दिन सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वोटरों के लिए होगी विशेष व्यवस्था, बुलंदशहर में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। प्रयागराज में रिकॉर्ड मतदान के प्रयास में जुटा प्रशासन, डाइट टीचरों ने नुक्कड़ नाटक और पिंक रैली निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। बिहार के गया में ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान, लोकसभा चुनाव से पहले इमामगंज में पुलिस ने चलाया अभियान। संदेश खाली मामले में भर सकती है ममता सरकार की मुश्किलें, सीबीआई को ईमेल के जरिए मिली जमीन और महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़ी 50 शिकायतें। सीबीआई शिकायतों को वेरीफाई करने के बाद करेगी मामले की जांच, सीबीआई के स्पेशल ईमेल लॉन्च करने के पहले दिन ही मिली 50 शिकायत। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे, आर्मी ने जारी किया वीडियो, 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए चला गया था ऑपरेशन मेघदूत। अमेरिका दौरे पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा कई अहम बैठकों में हुए शामिल, उप विदेश मंत्री कर्ट कैबल ने ट्वीट कर लिखा इंडो पैसिफिक में हमारी साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा करी। दिल्ली में भारत और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच प्रौद्योगिकी और संवाद विषय पर सम्मेलन, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर की बात। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा सभी वीर शहीदों को देशभर में मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। धार की भोजशाला में एसआई का सर्वेक्षण जारी, पिछले 23 दिनों से जारी है सर्वेक्षण। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों की हुई कोर्ट में पेशी, 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपी। अजमेर के क्लॉक टावर पुलिस स्टेशन के पास लगी भीषण आग, दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, 27 घंटे के बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। कोलकाता के दमदम जेसोर रोड स्थित स्लम एरिया में लगी भीषण आग, 5 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजियाबाद के मकनपुर इलाके में एक झोपड़ी में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। मिजोरम के चम्फाई में असम राइफल्स और कस्टम का ज्वाइंट ऑपरेशन, 70.64 लाख रुपए की विदेशी बियर और शराब जब्त। आगरा के हरिपर्वत क्षेत्र में व्यापारी से लूट और हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अब्दुल्ला ब्रिज के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। एमपी के रीवा में कल दोपहर से खुले बोरवेल में गिरा है 6 साल का मासूम मयूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मौके पर पहुंची वाराणसी से एनडीआरएफ की टीम। गोवा के वास्को में 5 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। करनाल में स्कूल बसों की सख्त जांच करता दिखा प्रशासन, महेंद्रगढ़ हादसे के बाद सख्ती, हादसे में 6 बच्चों की हुई थी मौत। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में पोटलंका टोल प्लाजा पर एक गाड़ी से 1 करोड़ से अधिक के आभूषण जब्त, चुनाव से जुड़े अधिकारियों को भी पुलिस ने किया सूचित।
अब्बास अंसारी कासगंज जेल में शिफ्ट, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की फातिहा में हुआ था शामिल। तमिलनाडु के सलेम में एक नर्सरी गार्डन में लगी भीषण आग, नर्सरी के मालिक ने लाखों के नुकसान की जताई आशंका। यूपी के बलरामपुर में एसएसपी लाल उमेंद्र सिंह की विशेष पहल, पुलिस और सशस्त्र बल के अभ्यर्थियों को दिया फ्री ट्रेनिंग। उत्तराखंड के रामनगर में एक गांव के गौशाला में मिला घायल तेंदुआ, ट्रैंक्यूलाइजर करके तेंदुए का किया गया रेस्क्यू, इलाज के बाद छोड़ा जाएगा जंगल में। चैत्र नवरात्रि का आज पांचवा दिन, दिल्ली के झंडे वालन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर उमड़ी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। आज वैसाखी पर्व की धूम, हरिद्वार के हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने किया पावन स्नान। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भीड़, वैसाखी के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अमृतसर से सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के गुरुधामों के लिए रवाना, खालसा सजना दिवस के लिए हुआ रवाना। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी उमड़े श्रद्धालु, बैसाखी के अवसर पर की अरदास। लखनऊ के नाका हिंडोला गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी, बैसाखी के अवसर पर माथा टेका। पूरे असम में आज गोहू बिहू की धूम, डिब्रूगढ़ में गायों को हल्दी लगाने से पहले नहलाने के लिए तालाबों में ले जाने की दिखी परंपरा। असम के तिनसुकिया में बिहू समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कहा हमारे जीवन में गायों का काफी महत्व, मन को सकारात्मक रखने के लिए करते हैं गौ पूजा। तमिलनाडु के मैला दुतुराई में मनाया गया थिमिति उत्सव, अंगारों पर चलने के धार्मिक प्रथा में शामिल हुए श्रद्धालु। इसराइल पर ईरान कर सकता है हमला, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज दावा। ईरानी हमले की खबर पर इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा इजरायल किसी भी संभावित हमले से निपटने और सुरक्षा के लिए तैयार। अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, ईरान नहीं होगा कामयाब इजरायल पर ईरानी हमले की आशंका पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। भारत सरकार ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की, भारतीय नागरिकों को ईरान और इजरायल न जाने की सलाह दी। ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए फ्रांस ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी, इजरायल ईरान लेबनान और फिलिस्तीन जाने से बचने की दी नसीहत। वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों ने एक फिलिस्तीनी गांव पर किया हमला, एक फिलिस्तीनी की मौत, 18 लोग हुए घायल। इजरायलियों ने कई मकानों और गाड़ियों को किया आग के हवाले, स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावर इजरायलियों ने जमकर की फायरिंग। एक 14 साल के लापता इजरायली लड़के की तलाश में आए थे हमलावर, लड़के के नहीं मिलने पर की आगजनी। आईपीएल में आज पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत, चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में दिल्ली दूसरी जीत के साथ 9वें नंबर पर पहुंची, लखनऊ की टीम 6 अंक के साथ 4थे नंबर पर काबिज। जसप्रीत बुमराह के पास पहुंची आईपीएल की पर्पल कैप, बुमराह और युजवेंद्र चहल के नाम 10-10 विकेट हैं, बुमराह को बेहतर इकोनॉमी चलते मिला पर्पल कैप। विराट कोहली के पास आईपीएल का ऑरेंज कैप, कोहली ने सबसे अधिक 316 रन बनाए, रियान पराग 261 रन के साथ दूसरे पे, शुभमन गिल 255 रन के साथ तीसरे नंबर पर काबिज। हरभजन सिंह ने दी आरसीबी को सलाह, कहा मोहम्मद सिराज को कुछ दिनों के लिए देना चाहिए आराम, वह काफी थका हुआ है। बॉक्सर मैरीकॉम ने पेरिस ओलंपिक की मिशन चीफ पद से दिया इस्तीफा, मैरीकॉम ने निजी कारणों का दिया हवाला।